हाय गाइस, आज मैं आया हूँ रोहित के फूड को एक्सप्लोर करने। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज आपको दिखाते हैं रोहित के कुछ फेमस फूड आइटम्स। रोहित लोकेटेड है पाली हाईवे पर, पाली का एक नगर। तो आइए आज अपने स्ट्रीट फूड की शुरुआत करते हैं पहला कचौरी से। ये है रोहित की फेमस मोगर कचौरी। इस कचौरी को लेने के लिए हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती है। मोगर कचौरी के अलावा इनके पास और भी कई सारे फूड आइटम्स अवेलेबल है। इनकी मोगर की कचौरी सबसे फेमस है। गर्मा गर्म कचौरी हर समय यहाँ पर निकलती रहती है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की फेमस मोगर कचौरी। कचौरी बहुत ही खस्ता व स्वादिष्ट थी। कचौरी में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मसाला यूज किया गया है। ये खाने में वाकई काफी अच्छी थी। यहाँ पर कचौरी लेने के लिए भीड़ के कारण कुछ समय वेट करना पड़ता है। कचौरी का जायका लेने के बाद अब मैं ट्राई करने वाला हूँ यहाँ का एक और यूनिक आइटम। ये है यहाँ का फेमस खमन ढोकला। खमन दिखने में ही काफी लाजवाब व टेस्टी लग रहा था। ये काफी सॉफ्ट व अच्छा था। खमन ढोकला के साथ मिर्ची भी सर्व की गई। इसके बाद मैंने ट्राई की यहाँ की फेमस लस्सी। लस्सी दिखने में भी काफी गाढ़ी व टेस्टी लग रही थी। इनके यहाँ की लस्सी की भी क्वालिटी काफी अच्छी थी। इनकी ये दुकान लोकेटेड है मेन हाईवे पर। गर्मी में खुद को रिफ्रेश करने के लिए मैंने ट्राई किया बादाम शेक, जो कि काफी ठंडा व ताजा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।